हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नेहा चौहान, योर इंग्लिश टीचर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको चैप्टर नंबर 13 की रीडिंग कंप्लीट कराई थी। मैंने आपको बताया था काइंड्स ऑफ एडवर्ब के बारे में। नाउ वी विल डू एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। रूही चेंजेस हिज बैग, हिज स्कूल बैग। रूही अपना बैग चेंज करती है तो फोर्सफुल्ली, ठीक है, फोर्सफुल्ली पे टिक करेंगे। ऑलरेडी जब आता है, जब काम हो चुका होता है, जैसे हम ऑलरेडी का यूज़ कब करते हैं, पहले ही जा चुकी है या उसने पहले ही खाना खा लिया है ना, तब हम इसका यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे रूही अपना स्कूल बैग चेंज करती है तो फोर्सफुल्ली करती है। दिस डॉग विल कम लेट इफ़ यू कॉल इट्स नेम। अगर तुम इसका ये डॉग देर से आएगा अगर तुम इसका नाम पुकारोगे तो, लेट। द इवनिंग शो वॉज नॉट वेरी इंटरेस्टिंग। रेयर होता है कभी कभार, मतलब मुश्किल से, रेयरली, मुश्किल से। इट डिड नॉट रेन हेयर लास्ट इवनिंग। हैवनली क्या होता है, स्वर्गीय है, हैवीली होता है। अगर तेज बारिश होने को हैवीली बोलते हैं और ये क्या लिखा है, हैवनली, है ना, तो यहाँ पे आंसर होगा हेयर, करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट है, आई विल नॉट डिस्टर्ब यू बिकॉज यू आर स्लीपिंग। मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा क्योंकि तुम सो रहे हो, डीपली, गहरी नींद में सो रहे हो, है ना। डैश द बसेस स्टॉप सर्विस इन दिस एरिया। तो समटाइम, कभी कभी जो बस हैं वो अपनी सर्विस स्टॉप रोक देती हैं इस एरिया में। रजत एंड राहुल वर टोटली अगेंस्ट द आइडिया। टोटली लिखेंगे, रेयरली मुश्किल से होता है ना। नेक्स्ट, दे वेलकम्ड मी विलिंगली। वार्मली तो होता है, वार्म गर्म को बोलते हैं ना, विलिंगली। ओके, स्टूडेंट्स, इसमें विलिंगली नहीं आएगा, वार्मली आएगा, ठीक है। वार्मली होता है दिल से और विलिंगली होता है अपनी मर्जी से, तो उन्होंने मेरा वेलकम दिल से किया, ठीक है। ओके, यहाँ पे इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, विलिंगली की जगह आप कर लीजिएगा इसको वार्मली, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, पिक आउट द एडवर्ब्स फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड स्टेट देयर काइंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, वी मस्ट ट्रीट एनिमल्स जेंटली। हमें क्या करना है, इसमें एडवर्ब छाटनी है, उनके काइंड्स लिखने हैं। तो फर्स्ट में लिखा है वी मस्ट ट्रीट एनिमल्स जेंटली, तो यहाँ पे जेंटली क्या है, एडवर्ब है, और ये कौन सी एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर। नेक्स्ट है, दिस मैन समटाइम्स ट्रेवल्ड इन डिस्गाइज। तो यहाँ पे समटाइम्स, समटाइम्स, और यह है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके, नेक्स्ट वन इज, वॉक क्विकली अदरवाइज यू विल बी लेट। तेज चलो नहीं तो तुम लेट हो जाओगे, तो क्विकली, क्विकली है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर हमें क्या बताता है, कैसे काम हुआ है, तो क्विकली है ना, वॉक क्विकली एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ मैनर। नेक्स्ट है, यू शुड गो देयर, तुम्हें वहां जाना चाहिए, तो यहाँ पे है ये देयर, तो देयर हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस। किसी जगह के बारे में बता रहे होंगे ना, वहां जाना चाहिए, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस। ओके, नेक्स्ट है, सी इज क्वाइट अनहैप्पी अबाउट द मनी ही गॉट। तो क्वाइट अनहैप्पी हो गया कितना, क्वाइट यानी बहुत, है ना। तो जब हमसे हाउ मच का क्वेश्चन आ जाए यहाँ पे, तो वो होता है एडवर्ब ऑफ डिग्री। ओके,
नेक्स्ट है शी रेयरली गॉट ए चांस टू मीट माय अंकल, तो यहाँ पे हो जाएगा रेयरली, रेयरली मतलब कभी कभार होता है, ठीक है, तो ये होता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके नेक्स्ट है लीव दिस प्लेस राइट नाउ, तो यहाँ पे नाउ एडवर्ब ऑफ टाइम है। ठीक है नेक्स्ट है हु विल कम हेयर, हु विल कम हेयर, तो यहाँ पे हेयर है एडवर्ब ऑफ प्लेस। ओके नेक्स्ट है शी वॉन्ट्स टू सिट समवेयर, तो यहाँ पे समवेयर ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है नेक्स्ट है ही हार्डली कम्स हेयर, तो हार्डली ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। और हेयर क्या है यहाँ पे एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है ये कंप्लीट हो गया, बाकी की एक्सरसाइज करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स थैंक यू।